हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एचपी ब्लॉगर पूजा शर्मा। और आज मैं आपके साथ एक रेमेडी शेयर करूंगी हेयर फॉल कम करने के लिए, क्योंकि आपको पता है आजकल बरसात का मौसम है, बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, निकल रहे हैं, जड़ से भी निकलते हैं बाल। तो उसको कम करने के लिए मैं एक आपको होम रेमेडी बताऊँगी। तो मेरे भी बहुत ज़्यादा बाल गिर रहे हैं। वैसे मैं कभी कभी कर लेती हूँ यूज़, बट अभी काफ़ी टाइम हो गया था मैंने यूज़ नहीं किया हुआ था। तो फिर सोचा मैंने कि मैं भी अपने मैं हेयर में अपने उसको अप्लाई करूँगी अभी, तो चलिए आपके साथ भी इसको फिर शेयर करूँगी। तो पहले सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि हमें उसको बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं चाहिए, बस दो या तीन या चार चीज़ें हमें चाहिए जो कि ईज़िली मतलब अवेलेबल हो जाती है हमारे घर पर भी। तो चलिए फिर मैं आपको बताती हूँ कि हम उसको कैसे बनाएंगे, और फिर मैं आपको दिखाऊंगी भी कि हम उसको कैसे अप्लाई करेंगे अपने हेयर में। तो उससे मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि आपका हेयर फॉल बिल्कुल एकदम से एक बार लगाने से ही मतलब कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बट हाँ, ये है कि अगर आप हफ्ते में दो बार या फिर मंथ में तीन या चार बार उसको अप्लाई करते हो तो मतलब काफ़ी हद तक कम हो जाएगा आपका हेयर फॉल, और बाल टूटने भी कम हो जाएंगे काफ़ी ज़्यादा। तो चलिए फिर चलते हैं और फिर मैं बनाती हूँ, आपको भी बताती हूँ। चलिए फिर। तो सबसे पहले हमें चाहिए अनियन, तो मैंने दो अनियन लिए हैं। और उसके बाद चाहिए हमें विटामिन ई का कैप्सूल, तो इसको भी यूज़ करूँगी मैं। ये हमारी हेयर की ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा होता है, और ये ईवियन का है और 400 mg का है। उसके बाद ये है ऑलिव ऑयल, आप इसकी जगह कैस्टर ऑयल और कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। और अगर हाँ आपके हेयर में डैंड्रफ हो गया है तो हमें उसके लिए नींबू भी चाहिए। और उसके बाद ये है पतंजलि का एलोवेरा जेल, जो कि हमारे बालों के लिए और हमारे फेस के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो बस चलिए शुरू करते हैं फिर आगे। तो सबसे पहले हमें अनियन को अच्छे से इसके छिलके निकाल कर इसको अच्छे से धो लेना है। उसके बाद हमें इसे कद्दूकस करते रहना है। तो मैं दोनों अनियन को कद्दूकस कर लूँगी अच्छे से। तो ये देखिए, ये मैंने कद्दूकस कर लिया है, और अब हम इसका सारा रस निकाल लेंगे। और आप चाहे तो आप इसे मिक्सी में भी पीस सकते हो, चॉइस आपकी है। और अब हम इसका सारा रस निकाल लेंगे, इसको अच्छे से निचोड़ लेंगे ताकि प्याज का जो भी रस है वो हम सब निकाल सके और हमारे काम आ सके। और देखिए, ये रस निकल चुका है। उसके बाद हम इसमें ये सारी चीज़ें ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें नींबू की बूंदें ऐड कर लूँगी, जो डैंड्रफ हटाने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। और उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी ऑलिव ऑयल, तो आप अपने हेयर की लेंथ जितनी है उस हिसाब से आप डाल सकते हो। और उसके बाद मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 1/2 चम्मच एलोवेरा जेल का, और उसके बाद मैं इसमें विटामिन ई के कैप्सूल डाल दूँगी। ये भी आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो, अपने हेयर के अकॉर्डिंग जितनी लेंथ आपकी है। तो मैंने यहाँ पे दो कैप्सूल डाल लिए हैं। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये सारी चीज़ें आपस में मिल जाए। और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि हमें इसको कैसे अपने हेयर पे अप्लाई करना है। तो ये देखिए, ये हो चुका है। जड़ों में चला जाए, अंदर चला जाए मतलब अच्छे से। और फिर आपको अच्छे से इसकी हेल्प से ऐसे मसाज करनी है अपने हेयर की, इस तरीके से।
फिर आपको और साइड में थोड़े से बाल निकाल के ऐसे इस तरह से, इससे क्या होगा कि आपके मतलब ये सारा आपकी जड़ों में जाएगा, जिससे आपके बाल जो है वो टूटने थोड़े कम हो जाएंगे। और अगर आपके बाल पहले बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं तो फिर मतलब उससे आपके बाल आने भी शुरू हो जाएंगे उस तरह से। तो बस इस तरह से आपने ये अपने सारे हेयर में लगा लेना है। और जब आप लगा लोगे सारा, तो फिर आपको अपने फिंगर की हेल्प से मसाज करना है, हल्के हल्के हाथों से ऐसे, मतलब आपको ज़्यादा जोर से नहीं दबाना है, हल्के हल्के हाथों से आपको मसाज करनी है अपने पूरे हेड की इस तरह से। ताकि ये सारा ऑयल आपके हेयर की जड़ों में में मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक